Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about grammar for BA 6th semester student of Punjab University. जैसे कि आपको पता था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको idioms and phrases बता दिए थे. आज जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रामर का, वो है वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 10 वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन आएंगे और आपने उनका बारे में लिखना है, एक वन वर्ड बताना है उस सब्स्टिट्यूशन का, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए. उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन से वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कौन से वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, जिसमें कई स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मुझे हमें क्या बताओ प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सॉल्व कराओ, जो आपके बी ए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसमें पिछले 5-10 सालों के हमने क्वेश्चंस भी लिए हैं. तो जो भी मैं ये आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा. अगर आपने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 2-3 बारी आराम से देख लोगे, कॉपी पेन लेके नोट कर लोगे, तो आप आराम से कर लोगे इसे. जैसे कि आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु रिजाइड्स इन ए कंट्री और विच इज़ नॉट अ सिटीजन. जब भी आपको ऐसे वन वर्ड आएंगे तो आपने क्या बोला, इसका हिंदी में मतलब समझना है. आपको सिर्फ इंग्लिश आएगी, ऐसे आएगा एग्जाम में, वन हु रिजाइड्स इन ए कंट्री विच इज़ नॉट अ सिटीजन. मतलब कि अगर मैं कोई ऐसे देश में रहती हूँ जिसकी मैं सिटीजन नहीं हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगी वहाँ जाके, एलियन. ठीक है, मैं क्या कहलाऊँगी, अगर देखो मैं कैनेडा जाके रह रही हूँ पर मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं वहाँ क्या कहलाऊँगी, एलियन. एलियन ये नहीं आपने वो जो मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे वो वाला एलियन नहीं. ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान जाके रहती हूँ, पाकिस्तान क्या है, हमारी दुश्मन कंट्री है, तो मैं वहाँ क्या कहलाऊँगी, अगर एनिमी कंट्री में रुकी हुई हूँ मैं, तो मैं एनिमी एलियन कहलाऊँगी. ठीक है, आप यहाँ देखो दो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए इसी से ही. तो आपको सबसे पहले समझना है कि इससे रिलेटेड कोई भी आए तो आप कैसे लिखोगे. ठीक है, सेकेंड आपका है वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली. मैं कहूँगी मैं सिर्फ ये, मुझे भी प्रोफेशनल इसके रूल्स एंड एटिकेट्स नहीं पता, पर मैं अपने प्लेजर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए गेम को खेल रही हूँ. तो मैं क्या कहूँगी, आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस, आई एम एमेच्योर. ये तो प्रो प्लेयर है, जिन्हें सब पता होता है वो क्या होते हैं, एमेच्योर होते हैं. जैसे हम बोलते हैं इमेच्योर, उसे हम बोलते हैं एमेच्योर. उसी तरीके से वर्ड्स को आप ले सकते हो जो सिर्फ प्लेजर के लिए काम कर रहा है, प्रोफेशनली नहीं, नॉट प्रोफेशनली. ठीक है, थर्ड आपका है अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग हिज स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री. यहाँ इंडिया से कोई मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में जाके स्पीचेस दे रहा है या फॉरेन स्टेट में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, एम्बेसडर, एम्बेसडर. ठीक है, एम्बेसडर कहलाएंगे. जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स. अगर हम पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, कोई पॉलिटिकल ऑफेंडर्स था जैसे करप्शन करी उसने, या कोई पॉलिटिकल पार्टी में डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस कर देता है, अगर उन्हें माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, राज दोषियों को आम माफ़ी, मतलब कि माफ़ी मिल जाती है, तो उससे माफ़ी को क्या बोलते हैं, एमनेस्टी. ठीक है, उसके बाद एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. अगर जिस देश में सरकार ही ना हो तो हम उसे बोलते हैं अनार्की, मतलब अपनी अपना अपना चलाना. ईयरली रिटर्न होता है, जब हम ईयरली हर साल किसी क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, जैसे शादी हो जाती है तो हर साल क्या बनती है, आपकी एनिवर्सरी बन जाती है. ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की हमने न्यू फाउंडेशन रखी तो आप क्या बोलेंगे, फाउंडेशन ईयर की एनिवर्सरी है, 6th एनिवर्सरी बन रही है, 5th बन रही है, कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इस तरीके से. तो क्या बोलते हैं, सालाना क्या बनती है, एनिवर्सरी. दैट हैपन्स एवरी ईयर, जो हर साल होता है वो क्या होता है, एनुअल. जैसे एनुअल प्राइज फंक्शन है, एनुअल मतलब कि जो हर साल होएगा ही होएगा. 2017 का स्पोर्ट्स फंक्शन 2018 में होएगा, 19 में होएगा, इस तरीके से एनुअल. ठीक है, तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, वो क्या है कि आपको पहले उसकी हिंदी समझनी है पूरे सेंटेंस की. ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो पहले आपने उसकी हिंदी समझनी है, वो सेंटेंस क्या है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप आराम से वर्ड को लिख सकते हो. ठीक है, इस तरीके से. और आपको यही वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1-2 बार ये वीडियो देखोगे आप, आराम से कॉपी पेन लेके पढ़ोगे, तो मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा जो आप नहीं कर सको, क्योंकि इसके अंदर सारे टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हैं.
अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन्स को रोकने के लिए क्या होती है, एंटीडॉट होती है, ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब वर्ड अपोजिट होता है हम एंटोनम बोलते हैं, वर्ड सिमिलर होता है हम उसे सिनोनम बोलते हैं। इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा भी उनके दिमाग में पढ़ के रखना। द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को जो पढ़ता है उसे हम आर्कियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी। वन हु शूट्स विद बो एंड एरोज, आर्चर बोलते हैं, जैसे गेम्स वगैरह में होता है, जो जैसे आपने क्लैश ऑफ क्लैन होगी या कोई भी गेम आपने खेली होगी, तो उसमें क्या होता है कि अगर आर्चर थी उसमें बिल्डर्स होते हैं, वैसे उस तरीके से जो बोज, जो आपका तीर और भाला लेके जो लड़ रहे हैं, वो क्या आर्चर आपके हो जाते हैं इस तरीके। फिर आपका कहते हैं गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, नोबिलिटी के द्वारा जो गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेसी रिच द्वारा जो चलाई जा रही है। असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोता, ऑडियंस बोलते हैं हम उसे। एक लाइफ हिस्ट्री, अगर इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, जैसे आप विंग्स ऑफ फायर थी वो APJ अब्दुल कलाम ने खुद लिखी, तो वो क्या बन जाती है, आपकी ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। अब उसके बाद वन हु कैन नॉट पे वन्स डेट, जो अपने कर्जे भुगतान नहीं पाता उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नैरो रिलीजियस व्यूज, बायगोट होते हैं, जो मतलब कि रिलीजन के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, वो कहते हैं बायगोट होते हैं। आपकी बिबलो लिस्ट ऑफ बुक्स, आप अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो तो आपने उसे कहाँ से लिखा है, तो वो होती है बिब्लोग्राफी, ठीक है। तो आपने उसका मतलब समझना है, आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते होते हैं, बस आपने सेंटेंस का मतलब समझना है। ये मैं आपको आगे स्क्रॉल कर देती हूँ, जो पिछले साल आ रखे वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं छोड़ने हैं ये जो सेट चल रहा है आपका, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सको, देख सको। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है, कैसे आपने इसे समझना है। आपको एक बार इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई स्टूडेंट के पास बुक नहीं थी, वो कह रहे थे इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, तो ये आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट पता। ये सेट वन आपका यहाँ ख़त्म हुआ 51 पे। रोज़ ऐसा रखो, दिन में दो सेट आपने करने ही करने हैं, रिविजन करनी है, एक बार इसे चला के देख लो आराम से। सेट टू आ जाता आपका, ठीक है, ये आपका सेट टू हो गया। आराम आराम से आप इसे पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है। बस मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ आपका यहाँ से सेट थ्री हो गया। सेट थ्री के अंदर ये गया 2015 में पूछा गया, वह अ वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो लिंग्विस्ट होता है जिसे सारी बड़ी सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, वो चाइनीज भी जानता है, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, तो वो लिंग्विस्टिक पर्सन है, ठीक है। साइंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिक से चलता है। ऑफ द मून, लूनर, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अंदर प्रीवियस ईयर खुद भी सॉल्व हो रखे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। पर्सन हु इज इन द एज ऑफ 80 to 90, ऑक्टोजेनेरियन, मतलब कि बोलते हैं ना ऑक्टोपस होता है, आठ टांगे होते हैं, तो 8 से रिलेटेड ऑक्टो, तो आपने इस तरीके से भी याद रखना है, ठीक है। या आपका ये पूछ लिया जाता है ऑप्टिमिस्टिक, पेरेंट्स ऑफ, ये पर इजी पूछे जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं। अ मर्डर ऑफ वंस ओन फादर, पैट्रिसाइड, ये देखो 2015 में। इस तरीके से आपने मिस नहीं करने हैं कोई भी। ये सेट फोर आ गया आपका, ठीक है, ये सेट फोर आ गया, ये भी आया था आपका पेपर में, ये, ठीक है। हिंदी आप समझ सकते हो, इसके नीचे हिंदी लिख रखी है। ये आपका सेट फाइव आ गया, आराम आराम से कर लो। एक सेट में 24-25 है, पहला सेट ही थोड़ा वो था, और इनमें से ही आएगा आपके एग्जाम में, आपको दूसरे किसी सोर्सेज से ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। देखो अब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से कहाँ से आ रहा है, देखो ये आ गए यूनिवर्सिटी के पेपर्स में से। ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से भी आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो आपने कहाँ से मिल जाएंगे आपको, वो ये है। देखो वन हु बिलीव्स एवरीबडी, जो सब पे विश्वास करे वो गुलीबल होता है, भोला भाला। द पीक पॉइंट ऑफ अ ग्लोरी, ग्लोरी का पीक पॉइंट हम पिनाकल बोलते हैं, जब आप एकदम प्रसिद्ध के सर्वोत्तम होते चढ़दी कला, एकदम ऊपर पहुंच जाना, पिनाकल, ठीक है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन आपने सुने होंगे, जिसमें जिसकी सुंदर हैंड राइटिंग होती थी उसे प्राइजेज मिलते थे, कैलीग्राफी, ठीक है।
मिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू मेक एनी मीटिंग, कोरम बोलते हैं, जैसे फिक्स्ड, एक फिक्स्ड कर रखा नंबर कि अगर 10 नंबर होंगे तो ही लोकसभा की मीटिंग बैठेगी, राज्यसभा की, तो एक फिक्स्ड कोरम है मेंबर्स का। वन हु लिव्स और डिपेंड्स अपॉन अदर, वो पैरासाइट होता है जो दूसरों पे डिपेंड होके रहता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स आपने साइंस में चैप्टर में पढ़ा होगा 7th-8th में, वो कहते हैं पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, ये उनके ऊपर से ही जो फूड मिलता है, इंसेक्ट मिलता है, उन्हें खा के जीवित है, तो डिपेंड है। रूल्स ऑफ फॉर्मल बिहेवियर तो एटिकेट्स बोलते हैं, रिच एंड स्वीट एंड टेस्ट एंड स्मेल, डिलीशियस है वो। ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, नंबर ऑफ बीज लिविंग इन अ सेम प्लेस बिहेव, मधुमक्खी के छत्ते को बोलते बी हाइव, ठीक है, बी हाइव है। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन जहाँ रखे जाते हैं वो हैंगर होता है, ठीक है। वन हु डील्स इन वाइन्स में डिस्टलर, ये आपके वो क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछे ही पूछे हैं। लवर ऑफ एनिमल्स फॉनिस्ट, ठीक है, कई बच्चे क्या लिख देते हैं एनिमल लवर, नो इट्स अ फॉनिस्ट। हेटर ऑफ वुमेन, वुमेन को जो हेट करते हैं वो माइसोजिनिस्ट होते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स बुके, ठीक है। किंग का मर्डर रेजिसाइड, देखो मर्डर से रिलेटेड आपसे पूछते ही पूछते हैं, मदर का मर्डर आ गया तो मैट्रिसाइड, फादर का मर्डर आ गया तो पैट्रिसाइड, और मर्डर किंग का मर्डर आ गया तो रेजिसाइड हो जाएगा। अ फंक्शन सेलिब्रेटेड, फेयरवेल वगैरह बनाते हैं, वैलिडिक्शन बोलते हैं। अ पर्सन हु अंडरटेक्स अ जर्नी फॉर रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है, पिलग्रिमेज बोलते हैं ना, पिलग्रिमेज बोलते हैं, जो भी यात्री सारे जाते हैं पिलग्रिम हो जाएगा। अ पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट एवरी वन अटेंशन को अट्रैक्ट, वो साइन और शोर होता है, ठीक है। मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन, एक आदमी है जिसके अंदर औरतों जैसी क्वालिटी है, उसे हम बोलेंगे एफेमिनेट, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड लिखता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेनो बोलते हैं। अब जो टाइलिंग करता है लैंड को, जमीन जोतने का काम करता है, टीलिंग बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब कई बच्चे क्या लिखते हैं, फार्मर लिख देते, नहीं फार्मर जरूरी नहीं है वो टीलिंग कर रहा है, जो खेत एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर रहा है, जो खेत को जोतना एग्रीकल्चर। एनी मेडिसिन जो प्रोड्यूस करती है, इनसेंसिबिलिटी एनीथेटिस्ट, ठीक है, बेहोश जिसे हम बोलते हैं, एनीथीशिया बोलते हैं ना, जैसे अगर आप किसी भी डॉक्टर पे जाते हो, अगर आपके किसी ने उन्हें बैंडेज करनी है, कुछ करनी है, तो क्या होता है, इस तरीके से आपको दवाई दी जाती है, जैसे एनीथीशिया बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज में हैमलेट बोलते हैं। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन बैन बोलते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, जो मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रही हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। जैसे मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराओ, तो ये पिछले साल के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, वो क्या होता है, अनकॉन्करेबल, आप ये लिख सकते हो सिंपल। दो पर्सन के बीच में बात होना, मतलब टॉक। अ वैन फॉर कैरिंग पेशेंट एम्बुलेंस, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेकिंग फोटोज कैमरा, इस तरीके से। तो हमने आज ये सॉल्व कर लिया अपने पिछले यूनिवर्सिटी के पेपर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना, इट गिव मी मोटिवेशन टू मेक्स मोर सच वीडियोज। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सी न्यू वीडियोस हैं जो अपलोड हो रही हैं, और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी अपने सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 6th semester के अलग प्लेलिस्ट है, 2nd की अलग है, 1st की अलग है, इस टाइप से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।